यहां पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं। लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था। लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर खामोश और खुश थे, मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, ऐसे में हमें जरूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। तो मैंने ये सोचा कि इससे बड़ा टावर बला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं, ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर, तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज के बारे में। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहां तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिजाइन किया और तैयार किया। फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15 -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेजर का टेस्ट किया, ताकि ये जो लेजर बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहाँ जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे और स्कूल के रूफ टॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, क्योंकि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। वहाँ दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में, और ये ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है। और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेजर के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, वो दूर सेकमोल स्कूल पर। वहां छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है। यानी कि लेजर के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है, और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है। ये एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है दूर दराज के गांवों को भी 5G या हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जोड़ने का, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ से हाईवे से सिग्नल लिया, इस पे नॉर्मली जमीन को खोद कर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स लगते, जो कि करोड़ों का खर्चा होता, मगर अब ये सीधा हवा से लेजर बीम के जरिए माउंटेन टॉप यूनिट पर जा रहा है, और वहां से भी बिना ऑप्टिकल फाइबर के यहां पर आ जाता है, और फिर यहां से गांव में विसर्जित किया जाता है सिग्नल को। तो पहाड़ से पहाड़ होते हुए पूरे पहाड़ी इलाकों में बिना डिगिंग के, ये जो डिगिंग एंड फाइबर केबल लेइंग है, ये पहाड़ों में बहुत ही महंगा होता है प्लेन से भी, तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है पहाड़ों को एक समस्या नहीं समाधान की तरह लेके, उनको खोदने के बजाय उन पे चढ़ के उन्हें टावर बना के उससे आप सिग्नल कन्वे कर सकते हैं।